हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइजल गेमर। स्वागत है सभी का गेंद से एक और न्यू वीडियो में। अब यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज के बारे में कि गाइस आप अपना क्लोज रेंज कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो यार, क्लोज रेंज ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे पता है यार आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो और फिर भी आप लोगों का क्लोज रेंज कुछ खास इंप्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, अब यार आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, पर गाइस मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप खुद से लाइक करके जाओगे, खुद से सब्सक्राइब करके जाओगे, बिकॉज यार ये वीडियो ऐसी मतलब कहीं से भी देख के टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ के नहीं बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर गाइस जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो गाइस मैंने 2-3 साल गेम खेला है, वो गाइस मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एकदम जेन्युइन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। गाइस अगर आप एक न्यू प्लेयर हो, अगर आपका क्लोज रेंज वीक है, तो गाइस यार इस वीडियो को पूरा देखना, आपको यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलो गाइस यार वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, सो लेट्स बिगिन। बट यार वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर चल रहा है पूरे 3 विनर पास का गिव अवे। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो गाइज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको पॉपुलैरिटी सेंड कर देनी है, जो भी मेरी पॉपुलैरिटी रैंकिंग के अंदर आएगा टॉप 3 में, उसको गाइज हर महीने विनर पास मिलेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूं क्लोज रेंज की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, पहला है एम के बारे में, दूसरा है मूवमेंट के बारे में। अब देखो यार मूवमेंट इतना कुछ खास तो होता नहीं है। सबसे पहले गाइज आपको अपने एम पे ध्यान देना है, मूवमेंट को भाई आप लात मारो, मूवमेंट भैया किसी काम की नहीं है जब तक आपका एम ही अच्छा नहीं होगा। अब यार मैंने देखा बहुत सारे बंदे जिगल दे रहे हैं भैया एकदम फास्ट एंड फास्ट, बट एम उनका टट्टी है, तो भाई ऐसे जिगल का क्या फायदा। अगर आप जिगल और ज्यादा करोगे तो गाइज आपकी एम की जो एक्यूरेसी है ना वो और ज्यादा बिगड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एम के ऊपर ध्यान देना है, कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यार यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एम प्लेसमेंट के बारे में, जो कि हमारा क्रॉस एयर प्लेसमेंट। अभी यार बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं, मतलब यार मैं भी ये गलती बहुत ज्यादा करता हूं। अब देखो यार आप किसी बंदे से फाइट लेने जाते हो तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, क्रॉस एयर जमीन पर रख के जाते हैं। तो यार यहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज बंदे के आपको हमेशा हेड पे मारना है। आपको गाइस यार क्रॉस एयर हमेशा हेड पर ही रखना है, आपको यार नीचे देखते देखते नहीं चलना, नीचे आपको कुछ मिल नहीं जाएगा भाई सोना वोना, आपको हमेशा ऊपर देख के चलना है। ऊपर गाइस जब हेड पे क्रॉस एयर रखो ताकि बंदा अगर अचानक से आ जाए तो यार उसके सारे हेड ही कनेक्ट हो। अगर आप क्रॉस एयर नीचे रख के चलोगे तो यार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेड पर लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, तो आप क्रॉस एयर पहले से ही ऊपर रखो। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें कि आप अपनी हेड की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, तो भाई इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है। इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टीडीएम के अंदर।
अंदर। अब मुझे पता है बहुत सारे बंदे टीडीएम नहीं खेलते, सिर्फ क्लासिक खेलते हैं, उसमें भी आरपीजी एस्ट्रोलो कैसे मरते हैं। तो अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो यार अभी फिलहाल के लिए कोई क्लासिक खेलने का फायदा है नहीं। अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपकी प्रैक्टिस होगी वॉर मोड के अंदर। वॉर मोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड टारगेट करो, मतलब बंदे को आपको ऐसे मारना है जैसे भाई उसका सिर्फ हेड ही हेड है, बाकी के जितने भी उसके बॉडी के पार्ट्स है ना उसको इग्नोर करो। वहां पर गाइस आपको गोली नहीं मारनी है, चाहे गाइस आप 100 बारी मरो बट आपको बॉडी शॉट नहीं मारना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेड शॉट कनेक्ट करना है, इससे आपके हेड की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब यार पबजी लाइट के अंदर डैमेज कम है तो गाइस आप हेड शॉट मार के ना इजिली गाइस 1 से 2 सेकंड के अंदर बंदे को गिरा सकते हो। बंदे को लगेगा कि भाई कॉन्फिग यूजर है, ये है, हैकर है, वैकर है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हेड कनेक्ट करोगे ना, मतलब यार एक एम के सिर्फ 4 या 5 हेड में बंदा मर जाता है, ठीक है। मतलब आप बंदे को चाहे तो 1 सेकंड या फिर आधे सेकंड में भी मार सकते हो अगर आपके सारे हेड कनेक्ट हो गए तो। और यार एक और बात है जो कि यार बहुत सारे बंदे बार बार बोलते हैं कि भाई मैंने उस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, बंदा मर नहीं रहा, भाई मेरी गोलियां नहीं चिपक रही, मेरे फोन के अंदर एम असिस्ट बहुत ज्यादा कम है, भाई मेरी गोलियां नहीं चिपकती, ऐसा वैसा। तो देखो यार जब आप बंदे को मारोगे तो ऑब्वियसली उसको गोलियां लगेंगी भाई, इसका मतलब आपका हिप फायर ही खराब है, आपका एम ही बकवास है अगर उस बंदे को गोलियां नहीं लग रही तो। और अगर आप गोलियां मार रहे हो बंदा नहीं मर रहा तो गाइज आप अपनी गेम को एक बार रिपेयर कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपकी गेम एकदम से फ्रेश हो जाएगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत गोली मारी बंदा नहीं मरा, तो भाई ये पबजी लाइट है, अगर आप सिर्फ बॉडी मारोगे तो बंदा घंटा नहीं मरेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट कनेक्ट करने तो बंदा इजीली मर जाएगा। तो यार ये तो बात होगी हेड एक्यूरेसी की। एंड अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट गन के बारे में जो कि क्लोज रेंज के अंदर सबसे ज्यादा गॉड है पबजी लाइट के अंदर। यहां पर मैं एस्ट्रोलोके की बात नहीं कर रहा हूं, एस्ट्रोलोके को छोड़ के कौन सी गन बीस्ट है क्लोज रेंज के अंदर। अब देखो यार क्लोज रेंज के अंदर ना एक ही बीस्ट गन है, वो है गाइस टॉमी। अगर गाइस आप कॉम्पिटेटिव मैचेस देखते हो तो यार हर बंदा वहां पे टॉमी यूज करता है, बिकॉज टॉमी के अंदर सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बुलेट आपको 50 मिलती है, और यार 50 बुलेट के अंदर आप 2 एनिमी तो इजीली डाउन कर सकते हो, उसके साथ साथ इसका डैमेज भी बहुत कम ग्लिच होता है। और सबसे मेन चीज की ये एकेएम से भी बेस्ट है। एकेएम से बेस्ट कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई एकेएम का डैमेज अच्छा है, भाई एकेएम का डैमेज तो 47 है, टॉमी का डैमेज तो सिर्फ 39 है, तो भाई टॉमी अच्छी कैसे है, एकेएम अच्छी है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, एकेएम गॉडगन है, मैं ये कहता हूं क्लोज रेंज के अंदर एकेएम बीस्ट है। बट गाइस आपने बुलेट स्प्रेड का नाम तो सुना ही होगा जो कि एकेएम के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर गाइस आप एकेएम को 10 मीटर के अंदर चला रहे हो बिना स्कोप खोले, सिर्फ गाइस आप अपने क्रॉस हेड से मार रहे हो, तो यार बीस्ट गन है, बहुत ही तबाही है। बट अगर 10 मीटर से थोड़ा सा दूर बंदा है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पे या फिर 15 मीटर पे, और अगर आप स्कोप ओपन नहीं कर रहे हो तो यार वहां पे सीन क्या होगा कि आपकी सारी बुलेट स्प्रेड हो जाएंगी। आपने यार चाइनीज टूर्नामेंट में देखा होगा कि भाई यूएमपी चलाते हैं वो लोग एकेएम वेकेएम नहीं चलाते हैं, तो वो एकेएम क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे बंदा है और आप बिना स्कोप खोले एकेएम चलाओगे तो यार सारी बुलेट स्प्रेड हो जाएंगी। अगर आप 10 गोली मारोगे तो मुश्किल से 1 बजेगी। अब यार आप इतनी सारी गोलियां चला रहे हो और वो गोलियां सारी स्प्रेड हो जा रही हैं तो भाई कोई फायदा नहीं है, आप यार उसकी जगह टॉमी यूज करो। टॉमी का जो बुलेट स्प्रेड है ना वो यार बहुत कम है, अगर आप 10 मीटर के अंदर बिना स्कोप खोले चलाओगे ना तो भाई क्या चलती है भाई टॉमी, मतलब एक भी गोली उसकी स्प्रेड नहीं होगी, बहुत कम बुलेट स्प्रेड होता है टॉमी के अंदर। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकेएम बेकार है, बट मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, एकेएम बहुत ही क्लोज रेंज के लिए है, टॉमी थोड़ा सा मिड के अंदर भी चल जाती है, इसको अपन मिड तो नहीं कह सकते, इसको अपन कह सकते हैं शॉर्ट मिड, ठीक है। तो यार वहां पर आप बिना स्कोप खोले भी इसको चला सकते हो, इसकी जो हिप फायर एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद यहां पर हम बात करने वाले हैं गलती ऑफ द ईयर के बारे में। अब देखो यार ये सबसे बड़ी गलती है और ये सबसे बड़ी मूर्खता है पबजी लाइट के अंदर, वो है गाइज एस्ट्रोलोके का यूज करना। अब देखो यार बहुत सारे बंदे करते हैं एस्ट्रोलोके यूज करेंगे और मोंटेज डालेंगे, आई एम फैन ऑफ जोनाथन, माई इंस्पिरेशन इज जोनाथन, टोचन इज नीडेड, भाई ये मोंटेज डालेंगे कितना खतरनाक, अंदर चलाएंगे एस्ट्रोलोके। तो भाई अगर आप एक एस्ट्रोलोके यूजर हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आपका पत्ता जल्दी कट होने वाला है, क्योंकि अगर बीजीएमआई लाइट आएगा तो उसमें से एस्ट्रोलोके के अंदर एम असिस्ट हटा देंगे तो भाई आपका कटेगा। एस्ट्रोलोके वालों के लिए मैं एक ही शायरी कहना चाहता हूं, बेटा बीजीएमआई लाइट आएगा एम असिस्ट घटेगा, बीजीएमआई लाइट आएगा एम असिस्ट घटेगा, एस्ट्रोलोके वालों तुम्हारा बहुत ही गंदा मजा नहीं आ रहा है। यही नहीं अभी और सुनिए, अब एम असिस्ट घटेगा और एस्ट्रोलोके वालों का कटेगा, एम असिस्ट घटेगा और एस्ट्रोलोके वालों का कटेगा, और तुम ही नहीं भोसड़ी वालों, तुम्हारा पूरा स्क्वाड हमसे कट्टे से पिटेगा। ओके गाइस, तो यार यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि हैं तो छोटी बट लेकिन बहुत ज्यादा कारीगर साबित होती हैं क्लोज रेंज के अंदर। पहली टिप है गन चेंज। आपको यार जल्दी से जल्दी गन चेंज करना आना चाहिए, बिकॉज ये पबजी लाइट है, अगर आप एक गन से पूरी स्क्वाड को मारने की कोशिश करोगे तो भाई आपकी पेटी बनेगी। बस यार एक ही गन है जो कि यार पूरी स्क्वाड को मार सकती है, वो है आरपीजी, उसके अलावा भैया ऐसी कोई गन नहीं है जिससे आप 1v4 कर सको एक ही मैगजीन में। अगर आप M4 यूज करते हो तो अगर आप एक बंदे को मारते हो तो आपके पास एमओ बचती है 10 या फिर 15,
रहा, और अगर उसमें से 5-6 एमओ चौक हो गई आपकी, मतलब एमओ अगर आपकी नहीं लगी 5-6, तो भाई आपका करियर खत्म है। और अगर आप रिलोड करने जाओगे एनिमी के सामने फाइट लेते समय, तब तक भाई आपकी पेटी डल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से गन चेंज करना आना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस करो हमेशा टीडीएम के अंदर या फिर वॉर मोड के अंदर। अगर आपके पास एमओ है भी है ना, फिर भी आप गन चेंज करते रहो। अगर आप भाग रहे हो ना, तो भी आप गन चेंज करते रहो, इससे आपकी गन चेंज की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है गाइस एम असिस्ट। अभी यार हर फोन के अंदर एम असिस्ट अलग है, पबजी लाइट के अंदर किसी फोनों में एम असिस्ट ज्यादा है और किसी में बहुत कम है। तो आपको यार अपने एम असिस्ट के हिसाब से हेड की एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल बहुत सारे बंदे मारते तो हेड पे, बट ऑटोमेटिकली बॉडी पे आ जाता है एम असिस्ट के कारण। तो बस आपको थोड़ा सा उसको ऊपर ड्रैग करना है। आप यार जितना ऊपर ड्रैग करोगे ना, उतने आपके हेडशॉट कनेक्ट होंगे। अभी यार ये डिपेंड करता है अलग अलग फोन में, किसी में एम असिस्ट कम है तो भाई सीधा हेड पे मारो, एम असिस्ट ज्यादा है तो यार आपका बॉडी बजेगा, उसको हेड पे लेके जाओ। और उसके बाद यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टिप है डैमेज दो अंदर आओ। अभी यार बहुत सारे बंदे करते हैं डैमेज देते हैं, फिर से कवर के अंदर नहीं आते। मतलब अगर वो डैमेज देना शुरू करते हैं ना, तो डैमेज देते देते कवर से कुछ ज्यादा दूर चले जाते हैं, फिर यार बाकी के बंदे उनको स्पॉट करके मार देते हैं। अब देखो यार फॉर एग्जांपल सामने से कोई बंदा आ रहा है, तो यार आप कवर मत छोड़ो, कवर के अंदर से मारने की कोशिश करो हल्का हल्का। अगर वो बंदा नहीं भी मरता तो भी यार उसको डैमेज दो बस। बट अगर आप कवर के बाहर चले जाते हो तो पीछे से उसके टीममेट आपको मार सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, कवर आप देख के छोड़ो। भाई ये कहता हूं, अगर एक भी बंदा है ना, तो भी कवर मत छोड़ो, उसको हल्का हल्का डैमेज देके कवर के अंदर आते रहो, आप उसको इजीली मार दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट की, अभी यार आपकी मूवमेंट डिपेंड करती है आपकी जॉयस्टिक के साइज के ऊपर। अभी यार मैं पबजी लाइट के अंदर ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और यहाँ पर मैं आपको 3 महीने की टेस्टिंग के बाद ये बताने वाला हूँ कि बड़ी जॉयस्टिक बेस्ट होती है कि छोटी जॉयस्टिक बेस्ट होती है। तो यहाँ पर गाइस यार सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि छोटी जॉयस्टिक बेस्ट है पबजी लाइट के अंदर। बट अगर आप बीजीएमआई खेल रहे हो तो गाइस वहां पर आप बड़ी जॉयस्टिक रखो, क्योंकि यार बड़ी जॉयस्टिक से एक्यूरेसी बढ़ती है मूवमेंट की। अब यहाँ पर जो छोटी जॉयस्टिक है ना, उससे गाइस यार मूवमेंट फास्ट होती है, बट यार फास्ट मूवमेंट से आपकी एम की एक्यूरेसी घटती है। तो अगर आपको मूवमेंट और एम को बैलेंस करना है, तो आपको बड़ी जॉयस्टिक रखनी चाहिए। बट मैं लाइट के अंदर बड़ी जॉयस्टिक क्यों नहीं रखता हूं, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल लेआउट ही ग्लिच है। भाई इस गेम में इतने सारे ग्लिच है ना, कि भाई कंट्रोल लेआउट के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्लिच है। अगर आप बड़ी जॉयस्टिक रखते हो तो गाइस वहां पर आपके कुछ बटन काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऑटोमेटिक फायर होगा, कभी कभार फायर ही नहीं होगा, कभी कभार जॉयस्टिक नहीं चलेगी, कभी कभार जॉयस्टिक फ्रीज हो जाएगी, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो गाइस अगर ये ग्लिच आपके साथ भी होते हैं तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा हो रहा था। बट जब से मैंने छोटी जॉयस्टिक करी तो यार यहाँ पर सारे ग्लिच फिक्स हो गए। तो गाइस आपको भूल के भी पबजी लाइट के अंदर बड़ी जॉयस्टिक नहीं रखनी है। अगर आप बड़ी जॉयस्टिक रखोगे तो आपके बाकी के बटन काम नहीं करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आप छोटी जॉयस्टिक ही रखो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो पे 1500 लाइक कंप्लीट करा दो, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा जल्द से जल्द। तो गाइस 1.5 के लाइक्स कंप्लीट करा देना आज की इस वीडियो में। गाइस इतना